आज मुझे इतना मिला तो ये मैंने इसलिए जो बातें की हैं कि इसको हम दुआएं खैर करते हैं अपने अजीज और अकारिब के लिए फादे आसानी की नफल बना लेते हैं। ये इसलिए है कि हम उनके लिए दुआ करते हैं उनकी बख्शिश के लिए, वो तो हमसे जुदा हो गए हैं। या मैं एक और बात अर्ज करता चलूं कि कुरान का फैसला है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात, पहली बात। अब दूसरी जगह पे आता है कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। पहली जो हमने आयत पढ़ी है इसके अंदर है पहले मौत बाद में हयात, मौत का जिक्र अल्लाह ने पहले किया। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात, पहले मौत है बाद में हयाती है। या दूसरी जो मैंने आयत पढ़ी है इसके अंदर रब फरमाता है कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि जिसके अंदर जान है उसने मौत का ज़ायका चखना है। या दोनों आयतें इसका मैं जो नचोड़ दे देता हूँ, इन दोनों आयतें मुबारक का नचोड़ ये है कि हम दुनिया में नहीं थे, हमारी रूहें थी, फिर हमारा जिस्म बनाया गया, इसके अंदर जान को डाली गई, इसके अंदर जान डाली गई कि मौत से हयाती आ गई। अब फिर मौत का सहका क्या है, हमारी बीवियों ने घर के अंदर खाना बनाया, बड़ा मजे का बिरयानी बना ली, कोई कढ़ाई बना ली, अब उन्होंने मेहनत करके बना लिया, अब खाने के लिए हम बैठ गए, खाना शुरू कर दिया, वो टेस्ट जो जायका है, जो टेस्ट है, वो कितनी देर का है? हम जितनी देर मुंह के अंदर उस खाने को जो बीवियों ने बनाया है, जितनी देर हम मुंह के अंदर उसे चबा रहे हैं, उतनी देर तो जो जायका है उसका टेस्ट रहेगा। जैसे ही वो गले से नीचे उतर जाएगा उसका टेस्ट और मजा और जायका खत्म हो जाएगा, कि बाद में वो नहीं रहता कि आपने क्या खाया था। ये बात इस पे मैं ये बात करता हूं कि जब बंदा दुनिया से रुखसत हो जाता है, जितनी देर वो कब्र के ऊपर यानी कि जमीन के ऊपर उसे हम ये भूल रहे हैं, उतनी देर तो मौत के जायके में है, उतनी देर वो मौत के जायके में है। जब हम उसकी कब्र बना के उसे दफन कर देंगे, अब जायका खत्म हो गया, अब वो इस आयत पे आ गया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अब उसके लिए हयाती आ गई। ये बात भी आती है कि हम सवाल करते हैं किसी से, मुर्दे से तो नहीं मांगते कि मांगते हैं या उसको हला के कहते हैं मेरी इस बात का तू जवाब दे, ऐसा तो नहीं करते या करते हैं ऐसा? कोई मौत हो जाए अगर हमने उससे पैसे लेने हैं तो हम उससे तो नहीं मांगते या उससे सवाल तो नहीं कर रहे होते। दर हकीकत ये होता है जब कब्र पे उतार देते हैं तो फरिश्ते आके उससे सवाल करते हैं हादा तकूलु रजुल व इस्मे मुहम्मद, अब उसको जिंदा कर दिया जाता है, फिर उससे सवाल किया जाता है कि अब तू, वो तेरी जो जिंदगी थी वो खत्म हो गई, अब तू बका की तरफ आ गया है, तो मेरे भाई अब या हम उनके लिए दुआ वो है उनके लिए, बल्कि कोशिश किया करो हर नमाज का, बल्कि इस तरह किया करो। मैं आपसे छोटी सी दरख्वास्त गुजारू, घरों में आपका खाना जब सामने आ जाए खाने लगे तो उस वक्त गुजरे हुए अपने माँ बाप को याद कर लिया करो। ऐसे नहीं कि खाना शुरू हो गया बस वो याद नहीं, मेरे बाबा गुजर गए,
बल्कि उनके लिए फातिहानी पढ़ के दुआ कर लिया करो। दुआ जब करोगे तो खाना तो आप नहीं खाना है, वो तो आपके खाने में शरीक नहीं होंगे, मगर होगा ये कि वो जो आप खाना खा रहे हैं आपको मेरी एक खुशी महसूस हो रही है। भूखा पेट होता है जब वो उसके अंदर कुछ जाता है तो खुशी होती है कि मेरा पेट भर रहा है। उस खुशी के अंदर गुजरे हुए जब दोस्तों को हम याद करेंगे उनके लिए ये बड़े अजर का सवाब बनेगा। तो इसलिए खुशी और गमी दोनों में हम जो हमारे बाबा और अजदाद दुनिया से गए हैं उन्हें याद रखना चाहिए और उनके लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार की उन आप कब्रिस्तान जाते हैं उसकी बात ये क्या दुआ करते हो, कब्रिस्तान दाखिल होते वक्त क्या पढ़ते हो, कहते हो ना सलाम वालेकुम, वो जवाब भी मांगता है तुम्हें सलाम वालेकुम या हाल करो, क्या कब्रिस्तान वालों तो बस सलाम भी हो, अगली बात क्या करते हो तुम हमसे पहले आ गए हो हम आने वाले वहां जाकर हम सबक ले रहे होते। तो अजीज भाई आज की मेरी हाजिरी अल्लाह कबूल फरमाए और ये जो बातें मैंने दो चार बातें आपके आपके समाप्त के हवाले की हैं अल्लाह इस पर मुझे और